नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा के पलवल में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया और शहर में जुलूस निकालते हुए भाजपा विधायक दीपक मंगला के आवास का घेराव किया। सफाई कर्मचारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि वह पिछले 17 सालों से कार्य कर रहे हैं, भाजपा सरकार ने उनको पक्का करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मचारियों को समान काम समान वेतन भी नहीं दे रही, कर्मचारी को न्यूनतम वेतन दिया जाए, कर्मचारियों की पीएफ और ईएसआई काटी जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पिछली 10 तारीख से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को सुनने को तैयार नहीं है। मेरा नाम विनोद है, ब्लॉक प्रधान पलवल से। ये हमारी जो मांगे हैं उनको बीजेपी सरकार अनदेखा कर रही है, इसलिए हमने कोई 4-5 वार्तालाप भी कर लिए मगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। हमें पक्का किया जाए, यानी कि न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए। सरकार से यही हमारे रिक्वेस्ट है, अगर हमें पक्का नहीं करती है तो हमारा न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए, नहीं तो हमारा पीएफ नहीं एसआई अभी तक लागू हुआ है। धरना प्रदर्शन लेकर कहा हम बैठे 10 तारीख से, जो सरकार ने हमारी मांगों के लिए पूरे किया ना भाई, आपकी मांग पूरी की जाएंगी, आपको पक्का किया जाएगा। 17 साल हमें हो गए काम करते करते, अभी तक इस सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हम सरकार कब तक कच्चे रखेगी? 17 साल हो गए, क्या हम 17 साल के बाद अपने उम्र ज्यादा हो जाएगी कर्मचारी का, अपने घर ऐसे कैसे जाएंगे भाई? हमें जब पक्के कर्मचारी का दर्जा नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? अब तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा, इसने तनख्वाह भी कोई नहीं बढ़ी, कभी समान काम समान वेतन देने की वादा करा वो कभी नहीं दिया इसने। महंगाई भत्ता की बात करी, महंगाई भत्ता आज तक नहीं दिया इसने। हमें 17 साल हो गए आज काम करते करते, नहीं तो हमारा कोई वेतन बढ़ा है और नहीं कुछ हुआ है। अभी हमें पक्का करने के लिए रैली है हमारी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पक्का होना चाहिए। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।